नमस्कार और आप देखें पल पल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज कांग्रेसियों ने कोरोना सुरक्षा किट बांटकर मनाया। पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसियों ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने सभी से आग्रह किया है कि इस बार वे स्वयं अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं और कोई भी कार्यकर्ता भी उनका जन्मदिन न मनाए। इसलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि कोरोना महामारी के सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आज ये दिन मनाया जाएगा। और आज पूरे देश में सभी कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस किट में PPE किट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, फेस प्रोटेक्शन शील्ड, ग्लव्स इत्यादि शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेसजनों ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पलपल फरीदाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज 19 जून को हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल जी का जन्मदिन है, तो राहुल जी ने ये फैसला किया कि वो अपना जन्मदिन की बात नहीं मनाएंगे, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ी ये कोरोना की महामारी और उसके अलावा 2 दिन पहले लद्दाख के अंदर जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जन्मदिन कहीं पर भी नहीं मनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि हिंदुस्तान के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के जन्मदिन को, जो हमारे कोरोना योद्धा है, जो इस महामारी को लड़ने के लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए जो कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, उनके सम्मान और सेवा के रूप में आज हम इस दिन को मना रहे हैं। इसलिए आज राहुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए और इनके सेवा के लिए हमने आज कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद की तरफ से PPE किट, मास्क और ग्लव्स, उनके गॉगल्स, उनकी हेलमेट, वो सारा हमने लिया है, ताकि हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं उनको पर्टिकुलर, और बाकी CMO साहब को हमने कह दिया कि स्टाफ को जिस स्टाफ को भी किट की जरूरत है उन सबको दें, ताकि वो और भी तन्मयता से और बहादुरी से हमारे नागरिकों की सेवा कर सकें, अपनी जान जोखिम में डाल के जो कर रहे हैं उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं। और इससे पहले आज हम सब ने जो लद्दाख के अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए, शहीदी दी, उनको हमने 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी। ये हमारा आज कार्यक्रम राहुल जी के जन्मदिन के ऊपर ये आज प्रोग्राम था। ये सर किटें बांटी गई और कहाँ बांटी जाएगी और ये सारे देश के अंदर ही हर जगह मास्क है और कोई जरूरतमंद है, सारे देश में आज ये प्रोग्राम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सारे कार्यकर्ता, जहाँ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, वो सारे आज राहुल जी के जन्मदिन को कोरोना योद्धाओं के सम्मान और सेवा के रूप में मना रहे हैं सारे देश के। उनका मैं देखता हूँ, उनको भी जो